सीजन है आईपीएल का और अब सभी लोग ड्रीम इलेवन शायद खेलते हैं। ड्रीम इलेवन अब लोग खेलते हैं कुछ प्राइज मनी जीतने के लिए और कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रीम इलेवन में आप एक सही टीम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। सही टीम प्रेडिक्ट करना मतलब कुछ ट्रिक्स है, कुछ सिंपल ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स आप लोगों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये ट्रिक्स जानने के लिए देखते रहिए वीडियो, ये वीडियो अंत तक आप पूरा देखिए तो ये ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगा और आपको बहुत हेल्प होगा एक सही टीम प्रेडिक्ट करने में और कुछ प्राइज रिवॉर्ड जीतने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम तुहिन, वेलकम टू ऑल इन वन इन वन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर कौन से टीम के लिए सूटेबल है, कौन अच्छा खेलता है, कौन बुरा खेलता है, किसका परफॉर्मेंस बेटर है और किसका नहीं है, क्योंकि ये आप लोग मुझसे भी अच्छा जानते हैं, क्योंकि आईपीएल आप लोग मुझसे भी ज़्यादा देखते हैं और टीम प्लेयर का नॉलेज मुझसे भी अच्छा आप लोगों की है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दो ऐसी टिप्स जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सही टीम प्रेडिक्ट करने में। देखिए, सबसे पहले आप लोग ड्रीम इलेवन में आ जाइए, ड्रीम इलेवन ऐप या फिर वेबसाइट कुछ भी में आ जाइए। मैं यहाँ पे ऐप में आता हूँ और देखिए यहाँ पे अपकमिंग मैच है ड्रीम इलेवन आईपीएल एमआई और एसआरएच बीच में। तो यहाँ पे मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तब से 4 hours 12 minutes बाद ये मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं टीम सेलेक्ट करने के लिए एक मैच पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को एक टीम रेडी करना होगा। तो माय टीम में क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्रिएट अ टीम। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन शो हो गया है। आप लोग खेलते हैं, आप लोगों को पता है वह विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर एंड बॉलर। यहाँ पे देखिए विकेट कीपर 1 से मिनिमम और मैक्सिमम 4, बैट्समैन भी इसी तरह से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 और ऑलराउंडर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4, बॉलर यहाँ पे मिनिमम 3 मैक्सिमम 6, इसके बीच में आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट 100 है। पर क्रेडिट लिमिट देखिए पर प्लेयर का कुछ अलग अलग होता है, जैसे क्विंटन डी कॉक का 9.5, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा प्लेयर यहाँ इस मैच के लिए सूटेबल है, कौन बेटर है कौन नहीं, मैं आपको बताऊंगा दो टिप्स। सबसे पहले देखिए, आप जिस भी प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस भी प्लेयर आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसका प्रीवियस मैच देख के आप लोग, प्रीवियस मैच का रिजल्ट देख के आप लोग एक प्रेडिक्ट लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर क्विंटन डी कॉक का देखना है तो जस्ट इस पर आप टैप कीजिए, इसकी पिक्चर पे टैप कीजिए और देखिए यहाँ पे वो जितने भी मैच खेला है, मतलब इस दौरान आईपीएल के दौरान उसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। आप अगर डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो एमआई वर्सेस सीएसके क्या देखना चाहते हैं तो देखिए उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, रन्स 4 6, इसमें सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसे देख के आप लोग एक प्रेडिक्ट लगा सकते हैं कि कौन बेटर खेल सकता है, कौन बेटर खेल रहा है या नहीं। ये देखिए ड्रीम टीम डीटी करके जो लिखा हुआ है, ये मतलब ड्रीम इलेवन का जो टीम सिलेक्ट करता है, क्योंकि मेगा कॉन्टेस्ट में ड्रीम इलेवन भी पार्टिसिपेट करता है, ड्रीम इलेवन की मेंबर्स भी। तो ये डीटी टीम करके होता है, मतलब इस मैच में वो इस प्लेयर को लिया था, इस तरह से हम लोग प्रेडिक्ट लगा सकते हैं। तो ये था एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आप तो टीम तो सिलेक्ट कर लिया, आप बारी है लीग में हिस्सा लेने की। तो देखिए कॉन्टेस्ट भी यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे बहुत सारा कॉन्टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि मेगा कॉन्टेस्ट, कमबैक कॉन्टेस्ट। यहाँ पे मेगा कॉन्टेस्ट में आपको देखिए 49 rupees देके 16 crore आप यहाँ पे जीत सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप अगर इस लीग में हिस्सा लेंगे मेगा कॉन्टेस्ट में, तो आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मोर कॉन्टेस्ट में, यहाँ पे इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, अप टू 11 एंट्रीज करेगा, तो इसमें आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग यही देखिए कि यही अवॉइड कीजिए, मेगा कॉन्टेस्ट आप लोग अवॉइड कीजिए, और विनर टेक ऑल इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसमें देखिए 4 प्लेयर है, 2999 एंट्री फीस है, इसमें आप 10,000 जीत सकते हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है जीतने का आप लोगों के। तो आप लोग इससे भी हिस्सा लीजिए और हेड टू हेड में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो मेगा लीग होता है उसमें हिस्सा लेके आप शायद कुछ भी जीत जाए, अगर को मिनिमम भी आप जीत सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये कम क्यों होता है, बहुत ज़्यादा कम क्यों होता है, तो इसके ऊपर अगर एक वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए।
तो यही था दो पॉइंट सही टीम प्रेडिक्ट करने का, सही प्लेयर प्रेडिक्ट करने का। आप लोगों को आई होप ये पसंद आया है। और आप लोग अगर ये पहले से ही जानते थे तो अगर और कोई टिप्स वगैरह है तो मुझे कमेंट में वो भी आप बता सकते हैं, और मेरे व्यूअर्स को भी आप बता सकते हैं। इस वीडियो को आप एक लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय।